तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिजिटल विला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म से। हमारे केस में होस्टिंगर है, इससे हम किस तरीके से अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आपको होस्टिंगर में लॉगिन कर लेना होगा। जैसे आप लॉगिन करोगे, आपको होस्टिंग में जाना होगा। ऊपर मेन्यू जो दिखाई दे रहा है, आपको होस्टिंग पर क्लिक करना होगा। होस्टिंग पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी यहाँ पर डोमेन होस्ट होंगे यहाँ पर वो आपको दिखाई देगा। तो इस डोमेन पर हम पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं कि इस वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो इस पर हम मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज पर जाने के बाद आप देखोगे कि आपका एक पैनल खुल के आ जाएगा। जैसे आप मैनेज पर क्लिक करोगे और इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, वो दिखाई देंगे आपको। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ वेबसाइट पे आपको वर्डप्रेस दिखाई देगा। तो वर्डप्रेस पे आपको क्लिक करना होगा और यहां से आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे दोस्त, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, डिटेक्ट वर्डप्रेस और इंस्टॉल वर्डप्रेस। फिर आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना होगा और यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक कर देना होगा। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करोगे दोस्त, आपके पास एक पॉपअप सा खुलकर आएगा और इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको अपने वेबसाइट का नाम डाल देना होगा। जो भी आपकी वेबसाइट थी उसका टाइटल आप क्या रखना चाहते हो वो आपको डाल देना है। जैसे हमारा था एनिमे संसार, तो हम इसमें एनिमे संसार डाल देंगे। और उसके बाद हम ये डालना होगा जिस मेल आईडी से हमने उसे लिया था, उस मेल आईडी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो उस मेल आईडी को हम पूरा पुट कर देते हैं। मेल आईडी पुट करने के बाद दोस्त, आप जो यूजर नेम उसका चाहते हो, जिसे आप लॉगिन उसे करोगे, वो आप यहाँ डाल दो। यूजर नेम और जो पासवर्ड होता है लॉगिन करने के लिए, वो आप यहाँ पुट कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने यूजर नेम डाल दो और फिर उसके बाद नेक्स्ट टैब में आप इसका पासवर्ड यहाँ पे पुट इन कर सकते हो। पासवर्ड ध्यान रखें कि आप याद रखें जो भी पासवर्ड आप यहाँ डालोगे, ठीक है। यहाँ अपर केस और लोअर केस में भी आपको पासवर्ड डालना होता है, मतलब एक जो कैरेक्टर, एक जो लेटर होना चाहिए कम से कम अपर केस का होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं लेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पासवर्ड अपना पुट इन कर देना है। पासवर्ड पुट इन करने के बाद दोस्त, आपको क्या करना है कि फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना हो। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जो कि देखो यहाँ पे रिकमेंडेड आपका वर्डप्रेस का जो वर्जन है, सबसे लेटेस्ट वाला, अपडेटेड वाला, वो यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। आपको कौन सा लैंग्वेज रखना है, तो इंग्लिश रखना है, तो इंग्लिश हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे टर्न ऑफ ऑटोमेटिक एप्लीकेशन अपडेट्स और अपडेट ओनली द माइनर वर्जन। तो अपडेट ओनली द माइनर वर्जन पे ऑलरेडी क्लिक्ड है, रिकमेंडेड है, तो इस पे क्लिक छोड़ देना है आपको। और फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। फिर जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे दोस्त, ये इंस्टॉल होने लग जाएगा और देख रहे हो कि अभी प्रोसेस जारी है, अभी आपका इंस्टॉल हो रहा है। और इंस्टॉल होने के बाद फिर आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो अभी इंस्टॉल होने में थोड़ा सा ये समय लेता है, ये देख रहे हो अभी आपका इंस्टॉल हो रहा है। अब आपका इंस्टॉल हो चुका है, तो ये देखोगे कि आपको यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद आपके डैशबोर्ड में भी कुछ ऑप्शन देता है, कुछ प्लगइन अपने आप ये ऑटोमेटिकली उसमें ले लेता है। आप देख सकते हो कि इसमें रेकमेंड करता है कि ये प्लगइन आप यहाँ से ले लें, जैसे कि फोर्स HTTPS, मतलब अगर आपका मान लो कि आपने SSL सर्टिफिकेट ले रखा है तो जाके इसको आप ऑन करोगे। हमने नहीं लिया तो हम इसे नहीं ऑन करेंगे। फिर मेंटेनेंस मोड है, फिर उसके बाद लाइट स्पीड है, तो लाइट स्पीड पहले से ही ऑन है। ये कैशे प्लगइन होता है जो हमारे वेबसाइट में ऑलरेडी जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके साथ ये ले लेता है। तो ये जो है वो कुछ हमारे पास है। अगर आपके पास SSL है तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, इसके बाद दोस्त नेक्स्ट टैब में आपको क्लिक करना होगा और जो आपका डोमेन है, जैसे कि हमारे केस में है एनिमे संसार, तो हम इसका डोमेन अपना डाल लेंगे, animesansar.in हमारा डोमेन है। उसके बाद स्लैश करके wp-admin टाइप करेंगे और फिर उसके बाद एंटर कर देंगे। ये आपको टाइप कर देना है, फिर उसके बाद एंटर कर देना है। जब आप एंटर करोगे तो आप एक लॉगिन पेज पर पहुंच जाओगे, जहां पे वर्डप्रेस लॉगिन आपको दिखाएगा। अब जब हमने वहां पे सेट किया था जो यूज़र नेम और पासवर्ड, वो आपको यहां पर डाल देना है। तो मैं इसका यूज़र नेम पासवर्ड यहां पुट इन कर देता हूं। यूज़र नेम और पासवर्ड पुट इन आप जैसे ही कर दोगे, फिर आप इसमें लॉगिन ईजिली कर पाओगे और फिर आप चेंजेस कर पाओगे। फिर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे दोस्त, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आप अपने डैशबोर्ड में अब आप यहां से जा सकते हो। ईजिली आप डैशबोर्ड में जा सकते हो यहाँ से, और डैशबोर्ड में फिर आप जो भी फंक्शन होता है उसे आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, सच एज कि थीम कैसे इंस्टॉल करना है, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। तो देखो कि हम अपने आप डैशबोर्ड में आ चुके हैं, ये हमारा पर्टिकुलर डैशबोर्ड है। देखो डैशबोर्ड में आने के बाद हमें सबसे पहले एक काम ये करना चाहिए कि जो भी आपका डैशबोर्ड में ये सब सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं, इसे आपको हटा देना चाहिए
और एट ए ग्लैंच पे इसे रखना चाहिए। आपको डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना चाहिए यहाँ से। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद दोस्त आप देखोगे कि ऊपर एक ऑप्शन है, जैसे शो ऑप्शन यहाँ पे देता है, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखोगे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है कि इन सबको हटा देना है जो चेक बॉक्स हैं, और सिर्फ आपको एक चीज़ रखना है इसमें जो है एट ए ग्लैंस। इन सबको हटा देने के बाद तो आप देखोगे सिर्फ आपका यहाँ पे पोस्ट शो करेगा, कितने पोस्ट हैं, कितने पेजेस हैं, कितने कमेंट हैं, आपको यही सिर्फ यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है। अब ये सब होने के बाद दोस्त अब आप थीम इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी थीम आपको इंस्टॉल करना है, प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। अभी आपकी वेबसाइट बिल्कुल बेसिक से दिखेगी क्योंकि अभी आप इसमें कोई थीम इंस्टॉल किया नहीं। आपको जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं नेक्स्ट टाइम मैं इसे खोलता हूँ तो इस टाइप की ये वेबसाइट आपको दिखेगी, जो कि बिल्कुल बेसिक बड़ा बेकार सा लग रहा है अभी, लेकिन इसका इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा जैसे आप इसे सेटअप करोगे। आप थीम पे जाओगे अपीयरेंस पे जाने के बाद, और थीम पर जाने के बाद यहाँ से आप नया थीम इंस्टॉल कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप आस्ट्रा से शुरू करें। अगर आप एक ब्लॉग लिखना चाहते हो तो आप अलग भी शुरू कर सकते हो, जैसे कि जनरेट प्रेस हो गया, अलग अलग जो हमारे थीम है वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। थीम आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आस्ट्रा सर्च किया तो आपको एस्ट्रा, देखो ये एस्ट्रा हमें मिल गया। आस्ट्रा तो आपको हमें इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल हम करेंगे। फिर इंस्टॉल करने के बाद अपने को एक्टिवेट करना होता है, और जैसे ही आप इंस्टॉल और एक्टिवेट क्लियर कर लोगे दोस्त, आपका थीम वो लग जाएगा। देखो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। तो देखो कि अब हमारा ये थीम एक्टिवेट भी हो चुका है। अगर मैं आपको फिर से नए टैब में इसको दिखाऊं कि हमारा कैसा इंटरफेस हुआ है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सेटअप करके दिखा देंगे। आप देख सकते हो कि आप ये देखो इसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है जब मैंने एस्ट्रा इंस्टॉल किया। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे कुछ और एडिटिंग स्किल्स के साथ, किस तरीके से हम इसे सेटअप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।